यार सोच ये थी कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस के पहली शाम एक ऐसा मैसेज दें समाज को कि भई आज जीने का हक हम सबको है. द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर, फ्रीडम फॉर ऑल. यही सोच थी, इस हिसाब से ये फिल्म बनी. मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल भाई का, जिन्होंने एक सोच हमारी तक लेके आई इसको, एंड वी कुड एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली. द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, इट हैज़ टू बी फ्रीडम फॉर वन एंड ऑल. आज़ादी सबके लिए ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है कि भाई हर किसकी, हर एक इंसान की, हर एक किसी की फितरत है ये कि हमें एक भाईचारे के हिसाब से सोचना ज़रूरी है, कि हमें हर किसी की सोच बदलनी ज़रूरी है. ये टाइम गया, क्या मेरा क्या तुम्हारा. लेट्स कम टुगेदर, हैव अ फ्री इंडिया, लेट्स स्टे टुगेदर एंड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. दैट वाज द होल थॉट बिहाइंड इट. बच्चों का आज इकट्ठा इसलिए किया, भाई ये जो एक जनरेशन ऐसी है, ये एक एज ऐसी है, टेंडर एज है. इन्हें अगर इस चीज़ पे, इस उम्र में प्रॉपर राह अगर मिल जाती है तो ये देखिए मेक वंडर्स इन इंडिया. देखिए दे आर द टॉर्च वेयरर्स. ये हिंदुस्तान के वो सितारे हैं जो कल जगमगाएंगे. तो इनकी आज अगर इन्हें एक प्रॉपर राह दी जाए, इट्स द अल्टीमेट. इसीलिए आज इनको इस चीज़ से मुकिम करवाया हमें इस फिल्म के ज़रिए कि भाई आज़ादी से जियो और आज़ादी सबके लिए सोचो. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेरे लिए आज़ादी ज़रूरी है या आपके लिए, हर किसी के लिए आवाम में आज़ादी ज़रूरी है. चाहे वो पक्षी हो, कोई जानवर हो, इंसानी हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी शुड हैव अ फ्री लाइफ इन द कंट्री. बस इसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि ये इतना बड़ा मैसेज है, ये बच्चों के लिए नहीं, हर एक के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए मैसेज है कि जब खुद कैद हो जाता है बच्चा तो उसको क्या एहसास होता है. उसके बाद में उसको ये पता चलता है, उसका दिमाग काम करना शुरू करता है खुद कैद होने के बाद, खुद मुसीबत में पड़ने के बाद जब उसको सफोकेशन होता है, उसके बाद में उसको जब पता चलता है कि थोड़े से टाइम में मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरी हालत इतनी बिगड़ गई, मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई, तो एक मिट्ठू को ऊपर तो मैंने इतने दिन से पिंजरे में कैद करके रखा, उसको कितनी तकलीफ होती होगी. तो वो सोच बदली उसकी, उस हादसे से उसकी सोच बदली और वो सोच ने उसको एक मिट्ठू को आज़ाद करने के लिए मजबूर कर दिया. और वो जब मिट्ठू आज़ाद हो जाता है, पोपट आज़ाद हो जाता है, उसके बाद उसको जो सुकून मिलता है और उसके पेरेंट्स को भी उस पर जो गर्व होता है, तो यही एक मैसेज है. ये मैसेज हर बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए होना चाहिए. जैसा हमारे अनिल मुराका साहब ने जो बात कही है, उसका मीनिंग बस यही है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो. और आप जिस तरह से अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, वैसा दूसरों के बारे में भी सोचो. उस और उसमें एक बात और भी हम कहना चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझो. जानवर भी जो है तो जानदार है, जानवर भी जो है तो जानदार है. जानदार के अंदर भी जान होती है, उसको भी तकलीफ होती है, उसका भी खून बहता है. तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम आप कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उसके बारे में सोचो. वो फिर इसमें जात पात भेदभाव या पक्षी या कोई और भी जानवर हो, जानवर हो, उसको उसके बारे में नहीं सोचते. बस ये सोचना कि जो तकलीफ मुझे हो सकती है, पंछी को भी हो सकती है, दूसरे इंसान को भी हो सकती है. थैंक यू. अरे भाई, कभी रियल लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हुआ जहाँ फंस गए, लिफ्ट हो और दरवाजे या टॉयलेट या बाथरूम जहाँ फंस गए, वो आपको इसी घबराहट लग रही हो? मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि मेरी वाइफ जो है, तो अभी अभी होली फैमिली में हमारी सास को एडमिट कराने गई और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वो चले गई. उसके बाद में मैंने क्या किया कि चाबी थी मेरे पास, चाबी लेकर मैंने खोला, खोलने के बाद में, लेकिन वो एक ही चाबी थी, ताले की चाबी थी, जो फ्लैट का जो लॉक होता था उसकी चाबी मेरे पास नहीं था. तो मैं जैसे ही अंदर बंद हो गया, मतलब वो खोलने के बाद, खोला दरवाज़ा मैंने, खोलने के बाद जैसा मैं अंदर लॉक हुआ, लॉक होने के बाद में वो जो अंदर का लॉक था, वो जब एक बार अटक गया तो वो खुल नहीं रहा. मतलब वो इस तरह से बिगड़ चुका था कि वो उसको बदलना ही उसका सलूशन था, बाकी दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं था. उसमें क्या हो गया कि मैं, हालांकि विंडोज़ थे, ये था, बाहर से किसी को आवाज़ भी दे सकता था, लेकिन मेरे पास में वो इस तरह से लॉक हुआ था कि वो उसकी चाबी नहीं थी. वो 2 घंटे में जो परेशान हुआ,
मेरी वाइफ को स्पेशल ऑटो रिक्शा करके आना पड़ा और आकर के वो खोलना पड़ा। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तो घर में था, वो लोग बेचारे जो फंस जाते हैं, कोई सैलाब में फंस जाता है, कोई घर गिरता है, भूकंप के इसमें दब जाते हैं, हर जगह हादसे होते हैं। अरे ट्रेन की तब लोकल ट्रेन में जब जाते हैं आप, भीड़ में फंस जाते हैं, आपको लिफ्ट में होता है, लिफ्ट में काफी उसका जूता था एग्जांपल, आपने जो टैक्स का कहा, आप सब उस नाम से वाकिफ हैं, अरुणिमा सिन्हा जी वो भी ट्रैक्स पे गिरी थी, इनका एक पैर ट्रैक्स में फंसा था, वो पैर अटकने के बाद ट्रेन उसमें से गुजर जाती है, उनका वो पैर खो देती है। एक आम आदमी यही सोचता कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून उनमें, आज वो पहली किरदार ऐसी बनी कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा एक पैर पर भी। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, ये समाज के लिए मैसेज है। मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, एक और फनकारा है रोशन शेख, कुछ सालों पहले यहीं बॉम्बे में जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन बोर्ड कर रही थी और वो स्लिप हो जाती है, बोर्ड करते करते स्लिप होती है, वो गिर जाती है ट्रैक्स पे, ट्रेन गुजर जाती है, दोनों पैर उनके निकल जाते हैं, दोनों पैर गंवा चुकी हैं वो। अब वही सोच बदलने का एक ज़रिया, उन्होंने अपनी सोच को सोचा, उन्होंने चेंज किया कि भाई मैं अगर यहाँ बची हूँ दोनों पैर गंवाने के बाद में भी, शायद ऊपर वाला चाहता कि मैं कुछ करूँ। उन्होंने जयपुर फुट लगाए, पढ़ाई पूरी की, इत्तफाकन गॉड वाज काइंड उन्होंने MBBS भी पूरी की इस साल, और इस जुलाई 2017 में अब वो प्रैक्टिस करी है KM हॉस्पिटल में एज डॉक्टर रोशन शेख। दिस इज़ अ मैसेज। आपने जिक्र किया लिफ्ट का, हादसे बहुत होते हैं लिफ्टों में, लिफ्ट में आदमी अटकता है, कई बिल्डिंग में जनरेटर डीजी सेट्स नहीं होते, इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। वहाँ पर उस माहौल में कैसे उसको निकालते हैं लोग, बिल्डिंग वाले ही, घर वाले, लेकिन वो जो दौर गुजरता है कुछ मिनटों का, आपको वो एहसास दिलाता है कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। इसी तरीके इस फिल्म के माध्यम से यही दिखाया है, आपने जिक्र किया, एक्चुअली इट्स नॉट वो तोता नहीं था, पंछी था, एक तोते तो आज अलाउड ही नहीं है। तो एक मैसेज यही था कि भाई आप जब 5 मिनट उस गाड़ी में घुटन से झुलझ रहे थे, कितनी तकलीफें झेली इस बच्चे ने, उसी तरीके से जब वो पंछी जब कैद होता है पिंजरे में, कितनी मुश्किलों से गुजरता होगा। दैट इज़ द मैसेज, लिव एंड लेट लिव। सोहेल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों का रिएक्शन किस प्रकार से मिल रहा है आपको, और खास करके अगर बात करें इस कहानी की, तो कैसे जहन में आए कि हाँ खास करके बच्चों को इस तरीके के मैसेज देना चाहिए, कैसे जहन में आया ये कहानी? सबसे पहले तो मैं एम्पल मिशन का और अनिल मुरारके जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट था मैंने उनको सुनाया, और डेफिनेटली मुझे हमेशा वो एक प्रेरणा देते हैं कि कोई भी सोशल वे में कोई भी मैसेज हो, कोई भी अच्छी बात हो जो अगर कहना चाहते हो तो यू प्लीज़ गो अहेड। हमने एम्पल मिशन के साथ, अनिल जी के साथ, उसके पहले भी 5 फिल्में बनाई है, 6 फिल्में बनाई है, इनफैक्ट दिस इज़ अ 7th one, और हमेशा जिस तरह का उनका थाट है, एक सोशल मैसेज को लेकर जितना हम उसको स्प्रेड कर सके लोगों में, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, और चाहे वो हमारे फिल्म के द्वारा, चाहे कुछ लोग, मैंने द स्मॉलेस्ट परसेंटेज को अगर वो बात समझ में आए तो हम मानते हैं कि वो चीज़ में हम सफल हो गए। तो ये भी एक इंडिपेंडेंस का मौका था, हमने सोचा कि एक इस तरह से कुछ नॉर्मली पेट्रियोटिक टाइप की फिल्म जो है, बहुत ऐसे हैमलिंग करके फिल्म नहीं, लेकिन एक अच्छे से एक मैसेज दिया जाए। तो ये फिल्म के जो स्टोरी है मैंने उनके बारे में जिक्र किया, अनिल जी एग्री किए, और आपके सामने जो है कि एक बच्चे के माध्यम से, एक बच्चा जो है अगर उसके साथ अगर इस तरह से कोई बात गुजरती है तो वो एक कितना इम्पैक्ट होता है उस पर, और उस इम्पैक्ट के थ्रू वो ऐसा कुछ काम कर जाता है जो एक आई ओपनर है, एक्चुअली सभी के लिए एक आई ओपनर है, बड़े लोगों के लिए कि भाई एक बच्चे ने ऐसी कुछ काम कर दिया, ऐसी कुछ बात उसके जहन में आई, विच इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। बस यही एक माध्यम था जहां हम सोचे कि फिल्म के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके ये बात, और बात रही लोग पसंद कर रहे हैं तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं एक्चुअली। और हमारी एक अगली फिल्म है एम्पल मिशन के साथ, अनिल जी के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक्चुअली, होप सो वी विल बी रिलीजिंग सून।
اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہم لوگوں کو کور کیے. تھینک یو ویری مچ. انل جی, لاسٹ چلتے چلتے 15 اگست ہے, اس کے پورو سندھیا پر دیس واسیوں کو کیا کہنا چاہیں گے, خاص کر کے سور کی؟ ابھی ابھی آپ نے بہت اچھا کام کیا, جو ٹرانسجینڈر ہیں جن کو کوئی پلیٹفارم نہیں دیتا, ایسے لوگوں کو آپ نے پلیٹ دیا, سمان کیا, اور پورو سندھیا پر بھی 15 اگست کے پورو سندھیا پر کیا کچھ. آپ نے ذکر کیا شوریر اوارڈس کے بارے میں, سوچ وہی ہماری کہ سب ساتھ مل کے آگے بڑھیں, کوشش کریں کہ جو کچھ بھی آج ہم اپنے لیول پہ اگر سماج کو ہم دے سکتے ہیں, لیٹس کم ٹوگیدر, بی یونائٹیڈ اینڈ اسپریڈ اے ورڈ آف ہیپینس. عارف بھائی نے کہا لیو اینڈ لیٹ لیو, لیٹ دم فلائی, ہر کسی کو پنکھ دو کہ وہ اپنی زندگی جی سکے. آپ نے ذکر کیا ٹرانسجینڈرس کا, دیکھیے کوئی ٹرانسجینڈرس جو ایک قوم ڈکلیئر کی گئی ہے, اپنے جس کسی ماں نے بچوں گھر میں رکھا ہو وہ کبھی نہیں سوچتی کہ اس طریقے سے بچہ باہر آئے گا. اس ماں کی کوئی غلطی نہیں ہے, نہ اس بچے کی غلطی ہے. تو اگر آج ہم اور آپ ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں, انہیں بھی پورا حق بنتا ہے نارمل زندگی جینے کا. اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی, اٹس آل اباؤٹ دیٹ بھائی چارہ وی کال اٹ, کہ بھائی ہمیں سب کو ایک ساتھ میں ایکتا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور خوش نصیب ہیں ہم, ہم نے اس دیش میں جنم لیا جہاں ہر کسی کو وہ آزادی کی لہر یا آزادی خوشبو ملتی ہے, تو اس کو انجوائے کریں راجا بجائے بیکار کے جھگڑوں میں رہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس وہ نہیں. دیکھیے ہر کوئی ٹاٹا یا امبانی نہیں بن سکتا, تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ خوش رہیں اور دیش کو آباد کریں. لاسٹنگ ایسا کہتے ہیں کہ جو فلم بناتے بچوں کے ساتھ اور چاہے وہ کسی جانور یا پکشی کے ساتھ فلم بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نے بھی تھوڑی وہ دقت ہوئی, جو بچے کا کبھی سو جاتا تھا کبھی تھک جاتا تھا, ایسے الگ الگ موڈ میں رہتے تھے. برڈس کو ہم نے تو پنجرے کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا, لیکن وہ برڈ اتنے عادی ہو گئے تھے اس چیز کے کہ ان کو دروازہ مل رہا تھا فریڈم کا لیکن وہ اڑ نہیں رہے تھے. ہم ان کو کتنی بار ٹرائی کر رہے تھے کہ بھائی وہ شاٹ لینے کے لیے, پر ہم کتنی بار ان کو چاہ رہے تھے کہ بھائی اڑ جائے, ہم پنجرا ایسے ہلا رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ یو, پر نہیں ہو پا رہا کیونکہ ان کو اس طرح سے قید رکھے گئے تھے, اتنے ٹائم سے قید رکھا گیا تو وہ ایکچولی اڑنا بھول گئے تھے ایسا لگ رہا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مطلب 4-5 شاٹس کے بعد ہمیں وہ ایک شاٹ ملا, ویسے ہی بچے کا موسیٰ ملک, کبھی کام کرتے کرتے بہت تھک جاتا تھا, جو گاڑی میں وہ ٹریک ہو جاتا ہے لاک ہو جاتا ہے, وہ رونے کا مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ وہ روئے, ابھی وہ گھبرائے پر وہ ہنس رہا تھا. تو ہم نے سچ مچ میں اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ گاڑی میں قید کر دیا اور ہم لوگ سب وہاں سے چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی کوئی نہیں تو وی سٹارٹڈ کرائنگ ایکچولی. ہم نے وہ کریکٹلی سمجھی, ابھی بھی جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, آپ نے جب فلم کمپلیٹ کی اس کے کچھ بائٹس لیے آپ لوگوں نے, تو میں نے اس کو سوال پوچھا کیا بیٹا آپ گاڑی میں جب بلاک ہوئے تھے آپ ڈر رہے تھے؟ وہ دھیرے سے مجھے پوچھ رہا ہے کیا بولوں. اچھا یہ ایک بات بولنا چاہ رہا تھا کہ فریڈم کی بات ہے کیونکہ اس بچے کے مادھیم سے ایک پکشی جو ہے تو وہ آزاد ہوا ہے اور کل ہماری بھی آزادی کا دن ہے, تو اس کے لیے دو لائن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دادا آپ نہ بولوں گا تو بھی کرو گے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. جے ہند, وندے ماترم, وندے ماترم. ہمارے ڈی او پی ہمارے ساتھ ہے دھیرج, دھیرج خالی بس ایک ایسے ان کو خالی انٹروڈیوس کرنا تھا, سوری بھائی بولیں گے. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ.